नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस एजुकेयर पे। आज अपन बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था अल्फाबेटिक टेस्ट है, उसका छठा पार्ट है वो अपन अध्ययन करेंगे। वर्णमाला परीक्षण है, उसका छठा पार्ट अपने पास रहेगा यहाँ पे शब्द में अक्षर की क्रम परिवर्तन स्थिति। इसमें क्या होता है कि एक शब्द दिया जाता है आपको, कोई शब्द दे देगा और उस शब्द में निर्देशानुसार अक्षरों को परिवर्तित करवा के जो नया शब्द बनेगा उसमें से अक्षर की स्थिति है वो आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे पहला आपको दे रखा है शब्द एबिलिटी, पहला क्वेश्चन है उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करते हैं, समझेगा। ये अपने पास कोई शब्द दे रखा है, क्या शब्द दे रखा है यहां पे, एबिलिटी कोई शब्द है वो दिया हुआ है। एबिलिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। किसके क्रम के अनुसार? वर्णमाला, यानी सबसे पहले जो आता है उसको पहले रखना है, बाद में जो आता है उसको बाद में। और यहां पे सबसे पहले वर्णमाला में ए आता है तो ए को लिख दिया, फिर बी आता है, सी डी है नहीं, ई एफ जी एच नहीं है, फिर क्या आएगा आई, और आई कितनी बार है? दो बार, फिर एल, फिर टी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। यही कंसेप्ट रहेगा। अब समझिएगा, यहां पे इसने कहा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी वही स्थान बना रहेगा जो पूर्व में था। ए का स्थान सेम है तो एक अक्षर तो ये हो गया, बी का स्थान सेम है तो एक अक्षर अपने पास बी हो गया, आई का स्थान सेम है तो तीसरा अक्षर ये हो गया, एल का स्थान परिवर्तित हो गया ये इस व्यवस्था में नहीं आएगा, आई का स्थान परिवर्तित हो गया इस व्यवस्था में नहीं आएगा, टी का स्थान सेम है तो ये इस व्यवस्था में आ जाएगा, वाई का स्थान सेम है तो ये इस व्यवस्था में आ जाएगा। हमें पूछा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो यहां पे पांच अक्षर है उनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी पांच अक्षर ऐसे रहेंगे वर्णमाला में, सॉरी एबिलिटी वाले यहां पे, इसमें पांच अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान सेम बना रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आया कि कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, तब तो अपन आंसर है वो देंगे यहां पे पांच अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। कितने अक्षरों का स्थान चेंज हो गया, तो एक तो एल का हुआ था, एक आई का हुआ था, तो दो अक्षरों का स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो यहां पे यानी दिए गए शब्द को कैसे व्यवस्थित करना था? वर्णमाला के क्रम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। शब्द है वो अपने पास आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन, आर ई, यहां पे पी आर ई एस ई एन टी ए और टी आई ओ एन, ये अपने पास कोई शब्द है। शब्द रिप्रेजेंटेशन के प्रथम व द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। तो पहले और दूसरे को बदलेंगे क्या हो जाएगा? आर और ई को बदलेंगे तो ई आर हो जाएगा, पी और आर को बदलेंगे तो आर पी हो जाएगा, एस और ई को बदलेंगे ई और एस को तो एस ई हो जाएगा। यानी आपको कह रहा है तीसरे चौथे को बदल दिया जाए, आगे भी इसी प्रकार, यानी दो दो अक्षरों का स्थान आपस में चेंज करना है तो एन ई, टी और एक का बदलेंगे तो ए टी, टी और आई का बदलेंगे तो आई टी, और ओ और एन का बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? एनओ। ये अपने पास यहां पे बदल दिया जाए तो आपको कह रहा है दाई ओर से ग्यारहवें अक्षर के दाए पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये अपने पास दाई ओर से ग्यारहवें अक्षर के दाए कौन सा अक्षर पूछा? पांचवा। तो अपन ने यहां पे अल्फाबेट है उसका सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा था, अक्षर की स्थिति है, उसमें अपन ने यह सीखा था कि आपको सबसे पहले बाईं ओर से क्रम दिया जाए और बाएं जाने के लिए कहा जाए, दाईं ओर से क्रम दिया जाए तो और दाएं जाने के लिए कहा जाए, बाईं ओर से क्रम दिया जाए और दाएं जाने के लिए कहा जाए, दाईं ओर से क्रम दिया जाए और बाएं जाने के लिए कहा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं? ऐसी सिचुएशन में यदि समान होता है, बाएं बाएं समान है, माइनस करो, दाएं दाएं क्या है? विपरीत है, समान है, माइनस करो, बाएं दाएं विपरीत प्लस, दाएं बाएं विपरीत प्लस, विपरीत में प्लस और समान में क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं।
तो दाई दाई समान है, 11 में से 5 गया 6, दाई ओर से कौन सा अक्षर बना है, छठा अक्षर, तो 3 और 3 6, छठा अक्षर आपके पास आ जाएगा इस नियम के अनुसार, कौन सा आ जाएगा, ए। यानी सबसे पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये रिप्रेजेंटेशन शब्द था, पहले और दूसरे को आपस में परिवर्तित करना था, तीसरे और चौथे को परिवर्तित करना था और पांचवे और छठे को परिवर्तित करना था और आगे इसी प्रकार व्यवस्था चल रही थी। तो ये अपने पास शब्द बना, यहाँ पे नया परिणामी शब्द और दाईं ओर से छठा अक्षर हमें पूछा था, ग्यारहवें अक्षर के दाईं पांचवा सम्मान आ रहा था, माइनस कर दिया, ये स्थिति थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो आप समझेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समझो ध्यान से, शब्द दे रखा है ग्लोरिफिकेशन, क्या दे रखा है, ग्लोरिफिकेशन है वो शब्द दे रखा है, तो समझिएगा ग्लोरिफिकेशन शब्द है उसकी स्थिति आपको कह रहा है कि लिख लेते हैं यहां पे शब्द को, तीसरा यहां पे शब्द था वो था ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरी और फिकेशन, एफ आई सी ए टी आई और ओ एन, ये अपने पास यही शब्द था, क्या था, ग्लोरिफिकेशन एस और था भाई, तो कितने अक्षर हो गए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा और चौदहवा, 14 अक्षर हो गए। क्या कह रहा है, ग्लोरिफिकेशन के पांचवे और बारहवें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, पांचवे और बारहवें अक्षर को आपस में परिवर्तित करेंगे तो 12 नंबर वाला अक्षर है वो तो आ जाएगा 5 नंबर पे और 5 नंबर वाला अक्षर है वो कहां चला जाएगा, 12 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है भैया, ये अपने पास 12वां अक्षर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा नई व्यवस्था में। फिर आपको कह रहा है चौथे व 14वें अक्षर को, चौथा अक्षर कौन सा है, आर, और 14वां अक्षर कौन सा है, एस, तो एस तो आ जाएगा चौथे स्थान पर और आर चला जाएगा वो 14वें स्थान पर चले जाएगा, ठीक है भाई। फिर आपको कह रहे हैं तीसरे और दसवें अक्षर को, तो तीसरा है ओ और दसवां है टी, तो ये तो आ जाएगा, देखिए तीसरे और दसवें अक्षर को अपन परिवर्तित करते हैं तो 10 नंबर वाला जो टी है वो तो आ जाएगा 3 नंबर पे और 3 नंबर वाला ओ है वो चला जाएगा कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, दूसरे व ग्यारहवें अक्षर, तो दूसरा अक्षर है एल और ग्यारहवां कौन सा है, आई, तो एल और आई चेंज करेंगे तो ये तो एल आ गया ग्यारहवें स्थान पे और आई आ जाएगा वो कौन से स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर। फिर आपको कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, पहले व तेरहवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहला अक्षर है जी और तेरहवां अक्षर है एन, तो जी तो चला जाएगा तेरहवें स्थान पे और एन आ जाएगा पहले स्थान पे, बाकी जो अक्षर बच गए इनको परिवर्तित, इनका परिवर्तन है वो अपने पास यहां पे नहीं होगा, सेम रह जाएंगे, तो छठे स्थान पर एफ था, सातवें स्थान पर आई, आठवें स्थान पर सी और नौवें स्थान पे क्या था, ए। ये नई व्यवस्था बन गई है भाई, ये नई व्यवस्था बन गई है। अब नई व्यवस्था में दाईं ओर से बारहवें स्थान पर कौन सा होगा, दाईं ओर से, इसका मतलब एंड से 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, दाईं ओर से बारहवें स्थान पर यहां पे कौन सा होगा, तो दाईं ओर से बारहवें स्थान पर आपके पास अक्षर आ जाएगा नई व्यवस्था में, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यानी क्या था प्रश्न, आपको ये कह रहा था पहले पांचवे और बारहवें को चेंज करना था, फिर यहां पे चौथे और कौन से अक्षर को, चौदहवें अक्षर को चेंज करना था, तो आपस में इंटरचेंज करना था इनको। फिर पढ़िएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द कॉम्प्रीहेंशन, शब्द है वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉम्प्रीहेंशन, ये अपने पास शब्द है वो आपको कोई मिला, कॉम्प्रीहेंशन शब्द मिला। इस कॉम्प्रीहेंशन शब्द के लिए चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, पहले 3 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले 3 अक्षर सी ओ एम को विपरीत क्रम में लिखेंगे एमओ सी। फिर आपको कह रहा है
अंतिम तीन अक्षरों को जोड़ा जाए, अंतिम तीन अक्षर कौन से हैं? आई ओ एन, इनको जोड़ना है। विपरीत का नाम नहीं लिया तो विपरीत नहीं करना है इनको। यहां पे फिर आपको करा है कि यहां पे वह अंत में से सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, से सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, एस एन ई एच ई आर और पी, ये बन जाएगी नई व्यवस्था बन जाएगी। यहां पे से सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में, तो उल्टा करके लिख दिया एस एन ई एच आर, यहां पे ये अपने पास ई एच ई आर पी, ये लिख दिया, ये नई व्यवस्था बन गई। नई व्यवस्था में आपको करा है बाईं ओर से आठवें अक्षर, बाईं ओर से आठवें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर पूछा? तीसरा। बाएं दाएं विपरीत है, विपरीत में जुड़ जाएगा आठ तीन ग्यारह, बाईं ओर से कौन सा पूछा? ग्यारहवां अक्षर पूछा है, बाईं ओर से ग्यारहवां अक्षर पूछा है, तो समझिएगा तीन और तीन छह, तीन नौ और दो ग्यारह, ग्यारह नंबर पे अपने पास जो व्यवस्था आएगी वो आ जाएगा, अक्षर है वो आपके पास हो जाएगा कौन सा? ई हो जाएगा। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया ई। समझिएगा शब्द, यहां पे केपीसीटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर, ये अपने पास पांचवे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो आप ध्यान से समझिएगा। क्या शब्द दे रखा है? केपीसीटी, ये अपने पास केपीसीटी कोई शब्द है, अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार, वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? सी दो बार है, फिर आई, आई भी कितनी बार है? दो बार है, फिर क्या आएगा? पी, और फिर क्या आएगा? टी, और फिर क्या आएगा? वाई। इनको यहां पे वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर यहां पे आपको ग्रह कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित हो जाएगा? तो देखो सिक्का स्थान परिवर्तित हुआ क्या? यहां पे सिक्का स्थान है, ये अपने पास सेम नहीं है, ये अपने पास परिवर्तित नहीं हुआ। एक तो इसका यहां पे स्थान है परिवर्तित हो गया, सी का, एक का भी हो गया भाई, दूसरा पिक का भी हो गया, आई का इसका सेम है, सी का ये चौथा अक्षर है, आई का ये पांचवा अक्षर है, ये दोनों सेम व्यवस्था में है, यहां पे ये दोनों सेम व्यवस्था में, तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान चेंज हो गया? तो सी ए और पी, सी और आई, इनका स्थान चेंज हो गया, तो पांच अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान है वो आपस में क्या हो गया है? परिवर्तित है, वो हो गया है, पांच अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान आपस में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों अपन ने सीखा शब्द में अक्षर की क्रम परिवर्तन स्थिति है, उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे शब्दों की स्थिति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान से इसको यहां से अध्ययन करें, और अभी जैसे राजस्थान पुलिस की भी डेट आ गई है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी है, इसकी भी एग्जाम डेट आ गई है, तो आप सीरियस होकर तैयारी करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।